इतनी बड़ी गाड़ी है, आपने पेट्रोल की ले ली, 50,000 का फ़र्क था उस टाइम, आप डीजल ले लेते, तो भाई बात पैसों की नहीं है, बात है कि आपकी यूजेबिलिटी की, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। अगर आपको डीजल की रिक्वायरमेंट है तो आप लो, अगर आपको डीजल की रिक्वायरमेंट नहीं है, अगर आप इंदिरा का कुछ वो परमानेंट सोल्यूशन नहीं करती ना, तो तब तक इसका कुछ है नहीं। बट चलो ये तो भाई छोटी सी वो चीज़ है, रिजॉल्व हो सकती है, इतना कुछ इसमें वो इशू नहीं है। तो हे गाइस, व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप सारे बढ़िया हो गए और सारे अपने अपने घरों में सेफ हो गए। तो यार आज फाइनली वो दिन आ गया कि अपनी इस स्कॉर्पियो एन को हमारे पास हो गए हैं, पूरा एक साल, आज 18 मई है और आज ही के दिन एक साल पहले मैंने इसकी डिलीवरी ली थी। और भाई मेरा जब मैंने इसको बुकिंग कराई थी और जब मेरे को इसकी डिलीवरी मिली, तब से तब तक का जो एक्सपीरियंस था काफ़ी अटपटा था, आपको पता ही होगा। इंट्रोडक्टरी प्राइस थी, फिर नहीं थी, फिर वापस थी, फिर डिलीवरी में इतने सारे डिलेज हुए और फाइनली जब ये मिली, फिर इसकी मैंने कैसे कैसे मॉडिफिकेशंस कराई। तो फाइनली मुझे अप्रॉक्सीमेटली एक साल हो गया इसको यूज़ करते हुए और एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ भाई मैंने चलाई कितनी है। तो भाई आ गए हम इसके अंदर और तो भाई ये देखो 6,846 किलोमीटर चली है अभी तक टोटल। और भाई आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ क्या इसके प्रोज हैं, क्या इसके कॉन्स हैं, क्या क्या मुझे इसके अंदर बढ़िया लगा, क्या क्या इसके अंदर और इम्प्रूव हो सकता था, तो वो सारी डिटेल्स दूंगा। और अगर आप ये लेने की सोच रहे हो तो भाई ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए ही है, ताकि आपको पता चले कि हाँ भाई इन डेप्थ डिटेल इसका क्या है और आप जब अपनी गाड़ी सेलेक्ट करो आपको भी थोड़ा आइडिया मिल जाए कि हाँ भाई ये कार आपके लिए है कि नहीं। तो भाई इस वीडियो को स्किप करें बिना, पूरा एंड तक देखना। तो चलो भाई फाइनली शुरू करते हैं। तो भाई सबसे बड़ा प्रो तो इसका यही है भाई, इसका प्राइस। अब इसके प्राइस क्या के तो मैं क्या ही बोलूँ, मतलब जब मैंने ली थी तो मैंने इंट्रोडक्टरी प्राइस पे ली थी और ये मुझे पड़ी थी अप्रॉक्स, मतलब लगा लो 11,99,000 इसकी एक शोरूम प्राइस थी इंट्रोडक्टरी जब ये लॉन्च हुई थी। और ये मैं आपको पहले बता दूँ, ये Z2 पेट्रोल वेरियंट है जो इसका स्कॉर्पियन का बिल्कुल बेस वेरियंट आता है। तो 11,99,000 इसकी एक शोरूम थी और ऑन रोड आते आते भैया मेरे को पड़ी थी मोटा मोटा लगा लो 13,80,000 या 13,90,000 की। और इसके अंदर सब कुछ था भाई, मतलब इंश्योरेंस, RC वगैरह वगैरह। और जब मैंने इसको लिया था तो एजेंसी से तो मैंने कुछ भी साथ में परचेज़ नहीं करा था, मतलब कोई एक्सेसरीज नहीं ली थी मैंने एजेंसी से, तो ये मेरे को 13,70-13,80 की ही पड़ी थी। तो भैया फटाफट शुरू करते हैं। पहला इसका प्रो तो मुझे इसका भाई प्राइस ही लगता है, मतलब बेस्ट इन सेगमेंट गाड़ी है ये, मतलब इतनी है प्राइस में आपको इतनी बड़ी ह्यूज SUV, प्रॉपर डी सेगमेंट SUV नहीं मिलती यार। तो पहला इसका जो प्रो है भाई वो तो इसका है प्राइस, मतलब मैं काफ़ी इंप्रेस हूँ इससे, काफ़ी वैल्यू फॉर मनी लगती है, ठीक है। जो दूसरा इसका मेरे को बढ़िया लगता है यार वो है इसका इंजन। एक बार मैं आपको ना अंदर बैठ के दिखाता हूँ, बाहर गर्मी भी वैसे बहुत है। तो भाई जो इसका इंजन है ना, आपको पेट्रोल वेरिएंट में आपको एक बढ़िया बात है कि आपको बेस टू टॉप मतलब एक ही इंजन मिलता है। जैसे डीजल में तो होता है ना कि आपका Z2 वेरिएंट थोड़ा सा डी ट्यून करा हुआ इंजन मिलता है, आपको थोड़ा सा इन्फीरियर इंजन मिलता है, पर भाई अगर आप पेट्रोल लेते हो स्कॉर्पियो एन तो आपको बेस टू टॉप वही 200 BHP का पूरा पावरफुल इंजन मिलता है भाई, 2000 CC का। और भाई मतलब ये ना मतलब एकदम रॉकेट है, मतलब मैं मजाक नहीं कर रहा, आप एक बार इसको मतलब चलाओगे ना, मतलब अगर आप इसकी टेस्ट ड्राइव लोगे, ऑटोमेटिक का मुझे पता नहीं पेट्रोल का, बट जो मैनुअल वेरिएंट है जो मेरे पास है भाई वो पूरा रॉकेट है, मतलब। तो यार जब भी आप लोगे मैं आपको रिकमेंड करूँगा, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब भी आप लोगे तो मतलब इसकी ना टेस्ट ड्राइव ज़रूर लेना, जो भी आपको वेरियंट लेना है, पेट्रोल, मैनुअल, ऑटोमेटिक, डीजल, जो भी लेना है उसकी टेस्ट ड्राइव ज़रूर लेना। और पेट्रोल की एक बार मैं आपको ना स्टार्ट करके दिखाता हूँ, मैं इसकी आवाज़ का पता भी नहीं चलता, एक बार ये चेक करना, ये देखो भाई कितनी कितनी स्मूथ इसकी क्रैंक है, मतलब कुछ बंदे को आइडिया भी नहीं लगता कि ये स्टार्ट हुई और इतनी बड़ी गाड़ी के हिसाब से मतलब रिफाइनमेंट लेवल टॉप नॉच है इसकी। तो भाई उसके लिए महिंद्रा को थम्स अप है, ठीक है, इंजन और वो है। और भाई अगर मैं बात करूँ इसकी फ्यूल एफिशिएंसी की तो मतलब सिटी में अराउंड 9-10 निकाल देती है, और अगर आप बात करो हाईवे की तो मतलब वही आपको 12-13 दे देगी। वो यार इतनी बड़ी गाड़ी अगर आप ले रहे हो पेट्रोल या डीजल में या कुछ भी है, मतलब मैं तो ये कहता हूँ कि भाई माइलेज की तरफ तो आप ध्यान ही ना दो, मतलब बस आँख बंद करके एक बार पेट्रोल की टंकी फुल करा लिया करो और बस फिर चलाने का इसका मज़ा लो, क्योंकि भाई
ये गाड़ियाँ ना इन्जॉय करने के लिए बनी है, मतलब और जो भाई इतनी बड़ी गाड़ी लेता है वो फिर देखता भी नहीं है। भाई बात करूँ मैं इसके अगले प्रो की, तो भाई वो है कि ये बेस मॉडल है और ये पूरी फीचर लोडेड आती है। अब आपके सामने है डिजिटल, इसमें आपको मीटर मिलता है, स्पीड आ गई आपकी, आरपीएम मीटर है, स्पीडोमीटर मैनुअल है, डिजिटल स्पीड आपके बीच में आ जाती है, सारा कुछ है, ओडोमीटर है, टेम्परेचर है, ट्रिप ए ट्रिप बी है, उसमें भी मैं आपको बाद में आता हूँ, बाहर का टेम्परेचर बता रही है, टाइम बता रही है। उसके बाद भाई इसके अंदर म्यूज़िक प्लेयर तक लगा हुआ आता है, म्यूज़िक प्लेयर है मैंने कहीं बाहर से नहीं लगवाया हुआ, इसके अंदर पहले से ही एक एंड्रॉयड स्क्रीन आती है और ये जो स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स हैं ये भी भाई इसके साथ ही आते हैं। तो मतलब भाई इस प्राइस में बेस मॉडल में जैसे स्कॉर्पियो क्लासिक है उसके अंदर आपको ये सब फीचर नहीं मिलते, ये म्यूज़िक प्लेयर वगैरह नहीं मिलता, बट भाई इसके अंदर कंपनी ने आपको दिया है म्यूज़िक प्लेयर, स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल, चारों स्पीकर, पीछे एक एसी का मतलब लगा लो एयर फ्लो है, वेंट नहीं है क्योंकि उसके अंदर आप मतलब ऐसे है, मतलब मैं आपको पीछे आके दिखा दूंगा, उसमें आप एसी कंट्रोल नहीं कर सकते, बस जो आपका आगे से आपने सेटिंग कर दी एयर की बस वही है, और पीछे कोई कूलिंग कॉयल नहीं है, खाली एक एयर ब्लोअर है, मतलब यहाँ पे जितना आपने कूलिंग कर रखी है वही बस पीछे एयर फ्लो करता रहेगा, ठंडी हवा नहीं देगा, वहाँ से सिर्फ पंखा चलेगा। तो ये था भाई, मतलब ये मतलब पूरी फीचर लोडेड आती है मतलब इस प्राइस पॉइंट पे, तो ये भी एक इसका प्रो ही है। और उसके बाद जो इसका एक और मेरे को बढ़िया चीज़ लगी यार वो है इसका सीट कम्फर्ट। तो भाई ये देखो अभी तक वैसे एक साल हो गया मैंने सीट कवर भी नहीं उतारे क्योंकि कम यूज़ होती है, जैसे ड्राइवर सीट का है तो वो मैं हर रोज़ बैठता था तो वो उतर गया अपने आप। और भाई मतलब सीट कंफर्ट इसका बहुत है, और जब यार आप इसको चलाते हो ना, एक इसके अंदर और बढ़िया चीज़ है कि इसमें ना आपको आर्मरेस्ट भी दिया हुआ है और वो भी सेम कलर का, ये मतलब ऐसे सॉफ्ट टच नहीं है, हार्ड है, ये प्लास्टिक का है, बट जब आप चला रहे हो ना गाड़ी आपको बहुत हेल्प मिलती है, जैसे आपने आर्मरेस्ट पे हाथ रखा और यहाँ पे आपने गियर डाला तो मतलब आपकी गियर शिफ्टिंग ना बहुत मतलब ऐसे स्मूथ हो जाती है, मतलब आपको ऐसे थकावट नहीं होती, यहाँ पे आप आराम से जैसे आपने अगर इसको सिक्स गियर पे भी डाल दिया, आप हाईवे पे क्रूज़ कर रहे हो तो आप अपना हाथ यहाँ पे आराम से रख के बैठो और मतलब कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं है, कोई आपको थकावट नहीं होगी, तो बढ़िया आप एकदम इसमें हाईवे की ट्रिप्स भी कर सकते हो। मतलब इससे मैंने अभी तक 3-4 ट्रिप करी हैं, मैंने मतलब इनोवा भी चलाई हुई है, फॉर्चूनर भी चलाई हुई है और ये भी चलाई हुई है, तो मैं आपको ये कह सकता हूँ इसकी राइड कम्फर्टेबल है। अगर आप कंपेयर करोगे इनोवा से फॉर्च्यूनर से तो वो टोयोटा वाला कंफर्ट नहीं है क्योंकि इसके अंदर थोड़ा बॉडी रोल ज़्यादा रहता है, बट हाँ मतलब ये कंपैरेटिवली अगर आप दूसरी एसयूवी से कंपेयर करो थार से या उससे तो बहुत मतलब कंफर्टेबल है, आपको थकावट नहीं आएगी, तो मतलब गो फॉर इट है। तो ये मतलब इसके कुछ प्रोज लगते थे मुझे, और अगर कुछ आएगा मेरे दिमाग में तो मैं आपको दोबारा बता दूंगा, और अगर कोई मैंने प्रो आपको लगता है मैंने इसका मिस कर दिया तो आप कमेंट सेक्शन में नीचे कमेंट करके मुझे बता सकते हो। खैर ये तो थे इसके प्रोज, अब चलते हैं थोड़े से इसके कॉन्स पे, अब चलो भाई थोड़ा सा बाहर ही आ जाते हैं दोबारा। तो भाई कॉन्स की इसकी मैं बात करूँ तो यार एक तो ना ये देखो जब गाड़ी बंद होती है ना पूरी दिखाती भी है कितने टाइम से चल रही थी, क्या डिस्टेंस टू एम्प्टी है, क्या सब है। तो यार इसका ना एक मेरे को हल्का सा कौन लगता है वो है इसकी हाई स्पीड स्टेबिलिटी, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा बॉडी रोल बहुत है इसके अंदर, बॉडी रोल है बट मतलब थोड़ा सा ना मतलब जितना मेरे को चलाने पे लगा है मतलब ये 100 तक तो मतलब ठीक जाती है, 100 के ऊपर अगर आप इसको लेके जाओगे ना मतलब थोड़ा सा इसमें ना मतलब मे बी इसकी हाइट की वजह से या इसके ग्रेविटी उसकी वजह से सेंटर ऑफ ग्रेविटी की वजह से थोड़ा सा ना इसके अंदर मतलब जिसको हिंदी में बोलते हैं झोला मारती है, बिल्कुल हल्का सा, मतलब थार के कंपैरिजन में तो बहुत कम है, लेकिन हाँ भाई थोड़ा सा बॉडी रोल इसमें है, मतलब सीधी सड़क पे आपको शायद इतना नहीं पता चलेगा, लेकिन अगर आप इसको मतलब जैसे टर्न्स वगैरह पे करोगे हाई स्पीड पे करने की कोशिश करोगे मतलब इसमें थोड़ा ज़्यादा पता चलता है। तो एक मेरे को इसका कौन थोड़ा सा ये लगता है इसके बॉडी रोल का, एक यार इसका सबसे बड़ा कौन जो है वो महिंद्रा अभी तक सॉल्व नहीं कर पाया, मतलब वो तो छोटा था वो तो निकल भी सकता है, वो बेशक मैं ना भी बताऊँ तो कोई चक्कर नहीं है यार, वो है इसके ना ट्रिप मीटर में दिक्कत है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, मैं आपके सामने गाड़ी चला के लाया हूँ ना, तो ट्रिप मीटर तो मतलब ऐसा है कि आप गाड़ी चलाओगे ना वो अपने आप ना थोड़े टाइम बाद ना ज़ीरो पे आ जाता है, ट्रिप ए और ट्रिप बी दोनों, ठीक है, और जब वो ज़ीरो पे आता है तो ना इसकी घड़ी भी रीसेट हो जाती है। अब ये देखो टाइम क्या हो रखा है इसमें 6:51 AM, तो इसने सीट बेल्ट का वो दिखा दिया, इसको बैक करना पड़ेगा मेरे ख्याल से, हाँ तो ये देखो भाई 6:52 AM इसमें टाइम हो रखा है, और ट्रिप ए और ट्रिप बी ना इसका अपने आप ही रीसेट हो जाता है, एक सेकंड में देखता हूँ आता कहाँ से है, ये देखो भाई ट्रिप ए 86.8, ट्रिप बी भी उतना ही है भाई, ये ना अपने आप से रीसेट हो जाता है, और मतलब कुछ इसका वो नहीं है, मतलब 10-15 दिन तक इसका ट्रिप मीटर चलता है फिर रीसेट हो जाता है फिर थोड़ा टाइम बाद मतलब चल जाएगा। मतलब आप अगर हाईवे पे जा रहे हो ना अगर आपको अपनी गाड़ी का वो देखना है कि हाँ भाई कितनी चली है कितनी नहीं, तो भाई ये जो ओडोमीटर है रियल वाला इसी से आप कैलकुलेट करो, क्योंकि
ट्रिप वाले इसके ऊपर तो आप भरोसा नहीं कर सकते भाई, ये तो कभी भी अपना वो बदल जाता है, ठीक है। और उसके बाद भाई ये जनाब, इनसे तो मतलब कोई उम्मीद लगा ही नहीं सकते। मतलब ये तो ऐसा है कि मतलब आपने इसमें टाइम सेट करा, ये तो 10-15 दिन छोड़ो, 1-2 दिन भी नहीं चलता। मतलब ये तो मतलब अगर आपने गाड़ी ऑफ करी 15 मिनट बाद ही भाई इसका टाइम रीसेट हो जाता है, सिर्फ 15 मिनट बाद ही। तो ये इसका एक ड्रॉबैक है, मुझे पता नहीं आफ्टर मार्केट महिंद्रा ने लगाया हुआ, निपॉन का स्टीरियो है ये, जब मैंने इसमें कैमरा वगैरह लगवाया था तभी खुल के बाहर आया था। और ये ऐसा नहीं है कि मैंने आफ्टर मार्केट कुछ मॉडिफिकेशन कराई है तब से इसमें दिक्कत है, ये शुरू से ही है, day 1 से जब मैं गाड़ी लेके आया हूँ। तो यार अगर आपके पास भी Z2 वेरिएंट है और आपको भी ये दिक्कत आ रही है तो प्लीज़ मुझे भी बताना कमेंट सेक्शन में। वैसे तो काफ़ी लोगों को ये आ रही है, स्टीरियो वाली तो काफ़ियों को आ रही है। और ये तो भाई जो ट्रिप पे ट्रिप भी रीसेट वाला, ये तो Z2 और Z4 मॉडल में ही है, बाकी और किसी वेरिएंट में ये नहीं है, ठीक है। तो अब इसके बाद एक और इसका जो ड्रॉबैक है वो मैं आपको दिखाता हूँ। वो ड्रॉबैक दिखाने के लिए आपको थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, क्योंकि वो ड्रॉबैक आपको थोड़ा डिक्की के अंदर है, वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। तो भाई ये देखो, इसका मैंने ये डिक्की ओपन करी, अब इसमें क्या दिक्कत है, अब जैसे यहाँ पे तो मैंने अपनी बेस ट्यूब वगैरह रखी हुई है, तो इसके अंदर क्या इशू आता है कि ना जो ये सीट है ना मैंने ऊपर उठा रखी है, ये यहाँ पे उठा रखी है, ठीक है। अब अगर यहाँ पे कुछ नहीं पड़ा होगा ना और मैं कुछ एक्सेलेट करूँगा या इसको चढ़ाई पर चढ़ाऊँगा तो भाई ये सीट ना ऐसे नीचे आ जाती है। और सपोज़ करो आपने यहाँ पे कुछ अपना सामान रखा हुआ है या कुछ रखा हुआ है, एक बार मेरे साथ हो भी चुका है भाई, मैंने यहाँ पे एक ट्रे रखी हुई थी और ये सीट नीचे आई और वो ट्रे का हो गया कबाड़ा। तो भाई ये भी एक चीज़ है जो मतलब करनी पड़ेगी। कई लोगों ने मुझे सजेशन दिया है कि भाई आप इसको करके ये हुक वहाँ पे डाल दो, तो भाई ये देखो ये हुक वहाँ तक नहीं पहुँचता है। कई कह रहे थे कि इस हुक को ना इसके अंदर फंसा दो, तो भाई वो नहीं पहुँचता, कोई भी हुक आप ले लो आगे तक नहीं ऐसे पहुँच सकता। तो ये तो भाई वही है, जब तक महिंद्रा इसका कुछ वो परमानेंट सोल्यूशन नहीं करती ना तो तब तक इसका कुछ है नहीं। बट चलो ये तो भाई छोटी सी वो चीज़ है, रिजॉल्व हो सकती है, इतना कुछ इसमें वो इशू नहीं है। बट हाँ ये भी इसका एक ड्रॉबैक है, बट ठीक है। कई लोग तो इसको सीट को फोल्ड नहीं करते, नीचे बिछा के रखते हैं, उनको ये दिक्कत आएगी नहीं। अगले भाई इसकी ड्रॉबैक की बात करूँ यार, वो भी एक छोटी सी चीज़ है, वो है इसकी फेंडर लाइनिंग। मतलब जो मेरी पुरानी वीडियोस देखते हैं उनको पता भी होगा, तो भाई यहाँ पे ना महिंद्रा वालों ने अंदर क्या करा, ये देखो भाई ये ना एक कपड़ा है, ये देखो पता चल रहा है आपको, ये कपड़ा है। तो भाई अब ऐसा हुआ जब बारिश होती है ना तो ये कपड़ा ना फूल के नीचे आ जाता है और ये फिर टच होता है टायर पे, और फिर जब आप गाड़ी की कटिंग करते हो, गाड़ी को मोड़ते हो, इसमें से ना कर ऐसे करके आवाज़ आती है, और जो नया बंदा होता है वो डर जाता है कि भाई पता नहीं मेरी गाड़ी को क्या हो गया। तो ये एक इशू इसका ये था। और भाई लास्ट जो इसका एक ड्रॉबैक है वो है भाई इसका, कभी कभार जैसे आप गड्ढे से इसको गाड़ी को निकालते हो ना तो इसका ना थोड़ा सा ना स्टेयरिंग वाइब्रेट करता है, मतलब इतना ज़्यादा तो नहीं बट थोड़ा बहुत तो हाँ करता ही है। तो मतलब उसमें भी मतलब आपको चलाते हो ना कभी गाड़ी में मतलब ऐसे डिसबैलेंस होता है, मतलब जैसे आपकी गाड़ी जा रही है हल्का सा ना एकदम से ऐसे, मतलब ऐसे गड्ढा है कोई तो एकदम से वाइब्रेट होना शुरू हो जाता है। फिर मतलब हाई स्पीड पे तो मेरे को इतना नहीं लगा, कई लोगों को इशू हाई स्पीड पे भी आता है, बट मेरे को तो बस अभी कभी कभी जैसे मोड़ रहा हूँ गड्ढा आता है तो मतलब वाइब्रेट हुआ, फिर थोड़ी देर तक करता रहा, फिर अपने आप बाद में ठीक हो गया। तो यार ये छोटे मोटे से इसके कॉन्स थे, बट भाई अगर मेरी राय मानो तो मतलब जिस प्राइस सेगमेंट पे आती है, जो ये वैल्यू ऑफर करती है, मतलब मेरे को तो गाड़ी काफ़ी सस्ती पड़ी थी, मतलब 13.5-14 लाख की मेरे को ऑन रोड पड़ी थी 1 साल पहले, और अब तो इसके प्राइस ही बहुत हाइक हो चुके हैं। तो भाई मतलब अब तो मेरे ख्याल से 16-17 लाख की पड़ती है ऑन रोड, मेरे को ध्यान भी नहीं है, मेरे ख्याल 13-14 लाख के अराउंड तो अब इसका एक शोरूम प्राइस ही है। तो मतलब काफ़ी महिंद्रा मतलब जितना मेरे को लगता है हर 3 महीने बाद ही थोड़े बहुत इसके पैसे बढ़ा देती है। तो भाई अगर मैं आऊँ कंक्लूजन पे, क्या आपको ये गाड़ी लेनी चाहिए या नहीं, तो भाई मेरा जवाब आज भी 1 साल बाद रहेगा कि हाँ भाई आपको ये गाड़ी लेनी चाहिए, क्योंकि भाई जो ये आपको फीचर ऑफ़र करती है, जो आपको कंफर्ट ऑफ़र करती है, जो ये आपको मतलब ऐसे ना किंग ऑफ द रोड वाली फीलिंग देती है कि आप ऐसे 2 फुट ऊपर चढ़ के बैठते हो गाड़ी में। और ये जो Z2 वेरिएंट है ना यार, मतलब मैं बताना भूल गया, इसमें ना कोई हाइट एडजस्टेबल ऑप्शन नहीं आता है, तो मतलब फिर भी ना मतलब आपको ना मतलब कुछ वो नहीं, मतलब ज़रूरत फील नहीं होती। अब जैसे मेरी हाइट 5'8" है तो मैं बैठा हूँ तो भाई जो मेरा फ़ोन पकड़ा हुआ मैंने रिकॉर्डिंग करने के लिए, वो एकदम ना ऐसे मेरे माथे के लेवल पे है, तो भाई आप खुद ही देख सकते हो पूरा आपको बोनट का व्यू एकदम बढ़िया दिखता है। तो कोई इसमें दिक्कत नहीं है कहीं आपको लगे कि भाई आप मिस आउट कर रहे हो, हाइट एडजस्टेबल वाला फीचर है वो मस्ट है। मतलब हाँ अगर 5'8" तक आपकी हाइट है तो मतलब कोई चक्कर नहीं है, अगर हाँ आपकी हाइट उससे कम है तो मे भी शायद आपको उसकी नीड हो, बट वो भी यार इतना रिजॉल्व हो जाता है, आप सीट कवर डलवा रहे हो तो
तो नीचे स्पंज वगैरह डलवा दो तो हाइट और बढ़ जाएगी सीट की। तो ये थोड़े बहुत मतलब चीज़ें हैं, मतलब एडजस्ट करी जा सकती हैं। बाकी स्पीकर वगैरह आपको उसमें मिलते हैं, म्यूजिक प्लेयर मिलता है, जो बेसिक इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है वो आपको मिलती हैं। ये थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन मैंने खुद कराई हुई हैं, जो एम्बिएंट लाइट लगी हुई है, पीछे वूफर लगा हुआ है, अलॉय लगे हुए हैं, उसके ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई हुई है कि भाई मैंने क्या क्या लगवाया था, कितना कितना उसमें खर्चा आया था। तो अगर आपको चाहिए तो आप वो देख सकते हो, अगर मैं उसका लिंक आई सेक्शन में डाल दूंगा। और कुछ भी आपको इसके लिए कोई और क्वेश्चन हो कार को लेके, मतलब आपको कुछ भी पूछना हो, और हाँ भाई माइलेज मैंने आपको बता दिया था। और भाई मेरी गाड़ी का पेट्रोल लेने का यही मकसद था, जैसे आपको पता है कि अब एक साल हो चुका है और ये सिर्फ 6800 किलोमीटर चली है। तो मतलब ना कुछ मतलब वो नहीं है कि डीजल ही लेनी है। कई लोग ना मेरे को कमेंट्स में बोलते हैं यार इतनी बड़ी गाड़ी है, आपने पेट्रोल क्यों ले ली, 50,000 का फ़र्क था उस टाइम, आप डीजल ले लेते। तो भाई बात पैसों की नहीं है, बात है कि आपकी यूज़ेबिलिटी की, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। अगर आपको डीजल की रिक्वायरमेंट है तो आप लो, अगर आपको डीजल की रिक्वायरमेंट नहीं है, अगर आपको पता है आपकी गाड़ी नहीं चलती इतनी, तो भाई समझदार आदमी हमेशा वही करेगा, पेट्रोल गाड़ी ही लेगा। क्योंकि दुनिया दिखावे के लिए गाड़ी नहीं लेनी भाई, आपको जिस चीज़ के लिए चाहिए आप उसी के लिए गाड़ी लोगे। तो भाई मैंने मतलब मेरे को अपना डिसीजन अभी भी ठीक लगता है, मतलब ऑल दो डीजल की एवरेज थोड़ी ज़्यादा होगी, बट भाई अगर आपकी गाड़ी चलती ही नहीं है इतनी तो आप एवरेज का क्या करोगे, वो भी है ना। और डीजल जब आप डलवाओगे उसमें 36 चीज़ें और होती हैं, कभी वो रीजन लेती है, कभी उसमें डेफ ख़त्म हो जाता है वो डालो। मतलब मैं डीजल को बुरा नहीं बोल रहा हूँ, बट एक थोड़ा सा हैसल रहता है डीजल गाड़ी ओन करने का रादर देन अ पेट्रोल। पेट्रोल मेरे को थोड़ी सी ज़्यादा कन्वीनियंट लगती है। तो यार मेरा तो यही था, मतलब मेरे को तो यही बढ़िया लगी। बाकी आपकी जो चॉइस होगी वो आप अपने हिसाब से देखना। और अगर आपको आपके पास कोई भी क्वेश्चन होएगा मेरे लिए तो भाई प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना, और मैं पक्का ट्राई करूँगा आपको हेल्प करने के लिए। एंड बाकी नीचे मेरा इंस्टाग्राम का हैंडल भी, अगर आपको कुछ भी पूछना तो मैं तब भी मैसेज कर सकते हो। और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर, एंड मिलते हैं अपनी किसी और एक नई वीडियो में। बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।